सेगांव, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का हुआ ड्राई रन। मुख्यालय पर शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। कोविड 19 टीकाकरण की पूर्ण तैयारियां हो चुकी है। बहुत जल्द फ्रंटलाइन कर्मचारियों जिसमें सुरक्षा कर्मियों को जो महामारी के समय कोरोना काल में आगे आकर मरीजों की सेवाएं दी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। ड्राई रन के द्वारा टीकाकरण के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें पप्पू यादव द्वारा डेमो दिया गया, जिससे सबसे पहले लिस्ट में नाम चेक, टेम्परेचर नाप कर, सैनिटाइज व हाथ धुलवा कर, मास्क चेक करने के बाद प्रवेश दिया गया। आधार कार्ड की जांच करने के बाद वैक्सीन रूम में प्रवेश दिया गया। ऑनलाइन सत्यापन भी किया गया, उसके बाद टीकाकरण लगाया गया। टीकाकरण लगाने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में लगभग 30 मिनट तक रखा जाता है, जिससे किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने पर तत्काल डॉक्टर द्वारा उपचार किया जा सके। प्रभारी तहसीलदार ने इससे पहले व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस ट्रायल में तहसीलदार राकेश बाड़े, बीएमओ मनीषा मंडे, दिनेश मिश्रा, कैलाश क्षेत्र हरि सिंह जाटाओ, डॉक्टर विश्वास सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट। 19 को लेकर आज कोविड 19 वैक्सीन को लेकर हमने ट्रायल रन किया है और जिसका डेमो अभी दिया जाएगा, उसमें बेनिफिशियरी को कैसे लगाना है, क्या करना है, किसके क्या फायदे हैं ये बताया गया है। जब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन अवेलेबल है, जब वैक्सीन आएगी तो यहाँ पे वैक्सीन लगना स्टार्ट होगा। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर मनीषा मंडल। पप्पू यादव मास्क का बोलना है। अब तुम यहाँ पे जो वेट कर रही हो, तब तुमको उनका आई कार्ड लेना है और उसे चेक करना है उनके मोबाइल नाम आपका मोबाइल नंबर मैसेज आना है नॉर्मल वाला लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।